तो सर आपका नाम? विजय यादव। विजय यादव जी, कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर ठीक था, नॉर्मल था। नॉर्मल पेपर था तो टाइम टेकन था। हाँ जी, टाइम टेकन था। समय ज्यादा ले रहा था रीजनिंग में। रीजनिंग में टाइम लिया है तो सोचने पर मजबूर कर दे रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, तो आज का रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा सा टफ लगा आपको? अच्छा, मैथ्स और हिंदी, जीके जीएस वगैरह? सबसे इजी हिंदी। सबसे इजी हिंदी, तो हिंदी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हिंदी में नहीं याद है। जीके में याद है। जीके में आकाश का विलोम आया था। क्या बोला तूने? आकाश का विलोम। एक क्वेश्चन, हिंदी का सेक्शन आज के अगर पहले शिफ्ट की बात करें तो हिंदी का सेक्शन आसान था, रीजनिंग थोड़ी सी घुमावदार थी, लेकिन हो सकता हो कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। मैथ्स और भी थोड़ी सी कैलकुलेटिव ही रही होगी। हाँ, मैथ्स कैलकुलेटिव थी। अच्छा, तो आकाश का विलोम और कुछ याद आपको? पर्यायवाची। और एक जीके में याद है, मौर्य सम्राट का अंतिम शासक। मौर्य सम्राट का अंतिम शासक। और जीके जीएस में कोई क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आया? अनुच्छेद से संबंधित? नहीं, इतना याद नहीं। याद नहीं, कितने अटेम्प्ट किए टोटल? मैंने 49 किए हुए हैं। अच्छा, आप लोगों में से किसी का पेपर अभी नहीं? देने जाएंगे, नहीं है। अभी देने जाएंगे। अच्छा, संज्ञा सर्वनाम से सामने आ जाए। क्या नाम है? एक क्रिया विशेषण से आया था। क्रिया विशेषण से आया था। गद्यांश आसान था? हाँ, गद्यांश एकदम इजी था। क्रिया विशेषण में कोई शब्द याद क्या था? क्रिया विशेषण में एक ऐसे था, धीरे धीरे चलने, ऐसा क्वेश्चन था, याद नहीं है इतना। और गद्यांश में कैसे, किस टाइप का गद्यांश? बहुत इजी था, बहुत इजी, एकदम इजी था। हलवा था, समझ लो। हलवा हलवा हलवा, एकदम पढ़ते ही आ जाएगा गद्यांश, बहुत इजी। यानी आज का हिंदी का सेक्शन आसान आया हुआ था।